जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मंदार ने अचानक नगर पालिका और बिजली विभाग का निरीक्षण किया। वहीं जनपद रामपुर में जहां उनको कमियां मिली, मौके से 15 से ज्यादा कर्मचारी गायब मिले। डीएम ने इनका वेतन रोकने के आदेश दिए। साथ ही डीएम ने विद्युत विभाग के शिविर का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार ने बताया कि जब से मैंने जनपद में ज्वाइन किया है और निर्देश दिए थे कि कार्यालय व्यवस्था को वो सुचारू रूप से बनाएं ताकि जनता वहां आती है तो शासकीय व्यवस्था का लाभ उसे मिल सके। सभी अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में बैठे, नगर पालिका ऐसा ऑफिस होता है जहाँ जनता काफ़ी आती है। जनता की समस्याएँ बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ जनमानस बहुत ज़्यादा आता है। फाइलों का डिस्पोजल हो, मैं वहाँ गया था लेकिन मुझे खेद है कि वहाँ कर्मचारी तय समय पर उपस्थित नहीं थे। हम उनका वेतन रोकने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही बिजली विभाग के भी बहुत शिकायतें आ रही हैं, बड़े हुए बिलों की शिकायतें आ रही हैं। उसी के क्रम में बिजली विभाग का भी इंस्पेक्शन किया गया है। वहीं आइए आप सुनते हैं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार और क्या कह रहे हैं। बिजली घर और नगर पालिका और कई विभागों का जो है निरीक्षण किया है, सर क्या पाया गया उसमें? देखिए, जब से मैंने जनपद में ज्वाइन किया था तो पहले दिन ही हमने स्पष्ट डायरेक्शन अपने सभी विभागीय अधिकारी को दिए थे कि कार्यालय व्यवस्था को वो सुचारू रूप से बनाए ताकि जो जनता वहाँ पर आती है उनको शासकीय व्यवस्थाओं का लाभ मिल सके। तो उसी क्रम में कार्यालय में समय से कर्मचारी अधिकारी बैठे और कार्यालय व्यवस्थाएँ जो एज पर शासनदेश हों तो उसका अध्ययन हम लगातार कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज हमने इंस्पेक्शन, चूँकि नगर पालिका ऐसा ऑफिस होता है जहाँ पे जनता की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं और जनमानस बहुत संख्या में वहाँ पर आता है, तो वहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी की उपलब्धता हो और उपलब्धता होने के साथ साथ जो काम करने का तरीका है, जो काम करने का स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, तो SOP भी बने रहे वहाँ पर और जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत फाइलों का डिस्पोजल हो, तो वो सारी व्यवस्थाएँ देख ली। मैं वहाँ गया था और मुझे बहुत खेद है कि वो व्यवस्थाएं वहाँ पे उचित नहीं पाई गई और बहुत सारे जो कर्मचारी थे तय समय पे वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे, उस पर अभी हम उनका वेतन काटने की कार्रवाई करेंगे। और साथ साथ दूसरा, बिजली विभाग की भी बहुत शिकायतें हैं, चूँकि जब कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन करते हैं तो आती है और आजकल एक बड़े हुए बिलों की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसी क्रम में बिजली विभाग का भी हमने इंस्पेक्शन किया है और वहाँ पे भी जो व्यवस्थाएँ पाई गई वो उचित मानक की नहीं थी। बहुत सारे लोगों को जिनको अपना लोड बढ़वाना है, कुछ करवाना है, तो उसका प्रॉपर एप्लीकेशन रिसीविंग नहीं थे, उसका किस स्तर पर फाइल पेंडिंग है वो सब व्यवस्थाएँ भी वहाँ नहीं थी, तो उस पर भी हमने कार्रवाई की है। और साथ साथ एक काशीराम कॉलोनी और पहाड़ी गेट के एरिया से बहुत सारे गरीब लोग आते हैं और वो शिकायत करते हैं बड़े हुए बिलों की, तो उसके लिए मैंने कैंप लगाने के निर्देश दिए थे शनिवार को। वो कैंप वहाँ पे लग रहा है, उसका भी हमने इंस्पेक्शन किया है कि वहाँ पे कितने जो लोग अपनी शिकायत लेकर आए उसमें क्या डिस्पोजल उनका हुआ, उसका प्रॉपर हम लोग रजिस्टर बनवा रहे हैं सो दैट कि हम देख सकें कि कैंप लगाने के केवल उद्देश्य नहीं है, उस कैंप में आउटकम आए और लोगों को लाभ मिल पाए, तो उस पर हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए